उत्तराखंड सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में मंत्री ने सरकार की योजना और 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार की रणनीतियों के बारे में चर्चा की। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रदेश के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। यही कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर आम जनता की जो समस्याएं हैं और जो काम धरातल पर होने हैं उनके लिए चर्चा की जाए और आने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कैसे कार्य करना है उनसे बात की जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है और जनता के बीच रहती है। पिछले एक महीने से हमारा महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। 2024 चुनाव की बात की जाए तो आज पूरा विश्व ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय कोई नहीं है। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो बाकी किसी ने नहीं किया है। हमारे लोगों के बीच में हमारी पार्टी हमेशा रहती है, हमारा संगठन हमेशा रहता है। तो सिर्फ इतना ही 24 का चुनाव ना आपने बात नहीं, आज पूरे देश में पूरा विश्व ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं। और आज जिस तरीके से ये इंडिया बनाई गई है, ना इनकी कोई विचारधारा मिलती है, ना इनकी कहीं से कहीं कोई दूर दूर तक सोच मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश के हर वो आदमी जिसके ऊपर कोई ना कोई करप्शन का केस है उनको एक कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि सबके दिल में डर यह है कि अगर 24 माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, हो सकता है जैसे लालू प्रसाद यादव जी जेल पर रहे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जेल पर बाहर हैं, उसी तरीके से हो सकता है ये दूसरे जो करप्ट लोग हैं जो आज सब लोग हैं उनमें से भी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।